फैसला लिखा था बीपिन टांडा जी के लिए, जैसे एसएसपी है उन पर कार्रवाई नहीं हुई। उनके लोग जाके हमारे लोगों को धमकाते हैं, ये अन्याय है, लोकतंत्र की हत्या है। और जो गोरखपुर मंदिर के महंत है वर्तमान मुख्यमंत्री, उनका कहना है मैं क्षत्रिय जाति में पैदा हुआ हूँ, उन्हें गर्व है। यह कथन मुख्यमंत्री की घोर जातिवादी मानसिकता को प्रदर्शित करता है। यह हिंदू धर्म के सन्यासी परंपरा के विरुद्ध बयान है। जो मुख्यमंत्री संत होके खुद को योगी कहते हो और मुख्यमंत्री फिर वो अपनी जाति पे गर्व करते हैं और ये कहते हो कि मुझे गर्व है, और इसका मतलब वो अपनी जाति को बढ़ावा देते हैं, जैसा कि भर्ती प्रक्रिया में देखा गया, जैसा कई जगह न्याय पे वो अपनी जाति के लोगों के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो ऐसे मुख्यमंत्री को जनता इस बार जवाब देने जा रही है गोरखपुर में। मैं मुद्दों पे चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरा विश्वास है, मेरे पास इन सब के एविडेंस है। अगर आप कहेंगे तो मैं एविडेंस लेकर करके आपको दिखा दूंगा कि गोरखपुर में मुख्यमंत्री हार की तरफ से धांधली करवाने का प्रयास कर रहे हैं। गोरखपुर की जनता मन बना चुकी है कि इस बार मुख्यमंत्री जी की यहाँ से विदाई है। वो कल से रोड शो के बाद गर्मी बढ़ी हुई है। एक हमारे फोन पे एक मैसेज भी आया है, अब हम ये नहीं जानते कि वो सत्य है झूठ है, ये जानकारी हमें नहीं है, लेकिन कोई हमें मैसेज भेजे है, कहे कि हम मुख्यमंत्री के पीए दिख रहे हैं, आपके लिए फायदे का सौदा है, आप हमसे बात कर लीजिए। अब मैं आपके सामने रख देता हूँ बकायदा नंबर, आप देख लीजिए ये कौन सा हम है, ये कोई झूठ किसने भेज दिया है, या मुख्यमंत्री जी डर गए हैं जो इस तरह की चीजें जो है डरा रहे हैं। हमें उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम चुनाव जीत रहे हैं, तो हमें उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके सामने है, मीडिया के लोग इस पर ध्यान दें। इसकी शिकायत आपने की है किसी से? हाँ, इसकी शिकायत अभी हम करने जा रहे हैं, रात ही आया था, अब सुबह से हम लोग फील्ड में, इसकी शिकायत हम कर रहे हैं। आपके सामने पूरा मैसेज नंबर भी है, मैं चाहूंगा कि मीडिया के लोग इसकी जांच करा लें, ये कौन साहब है, ये मुख्यमंत्री जी के पीए वास्तविकता में है या कोई और आदमी किसी और इंटेंशन से कर रहा है, ये जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी की, उसकी जांच कराए। उसमें उन्होंने क्या लिखा है ये आप पढ़ लीजिए, लिखा है हमें कॉन्टेक्ट करिए, हम सीएम योगी आदित्यनाथ जी के पीए हैं सर, आपसे बात करना चाहते हैं, इसमें आपका फायदा है, हम यहाँ जनता के फायदे के लिए। नंबर ये है, मैं बोल देता हूँ, 7045 47 3204, ये नंबर है और आपके सामने है। ये कौन साहब है, आप मीडिया के साथी मुख्यमंत्री से पूछिए कि क्या फायदे नुकसान के लिए चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ, या जनता के फायदे के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए मैंने मीडिया के साथियों के सामने बात रखी कि कल मेरे साथ कोई अप्रिय घटना भी यहाँ घट सकती है, क्योंकि 3 तारीख को चुनाव है, ये जानकारी हमारे लोगों के दिमाग में है, सब लोग इसको देख रहे हैं। हो सकता है मैं उनकी बात न मानूं तो मेरे साथ कोई दुर्घटना हो जाए, मैं दुर्घटना से नहीं डरता, लेकिन जो दुर्घटना गोरखपुर के लोगों के साथ हो रही है उसका जवाब तो देना पड़ेगा, उसके लिए मैं तैयार हूँ। अगर मुझे नुकसान भी हो जाएगा तो भी मैं खड़ा रहूँगा गोरखपुर की जनता के विरुद्ध। लेकिन ये डर भय का माहौल जो उनके अंदर बना है कल से, ये मेरे द्वारा नहीं, जनता की, जो जनता के साथ अन्याय किया उसकी वजह से बना। और मैं चाहता हूँ जनता 3 तारीख को अपने डर को, क्योंकि ये क्रांति धरा भी गोरखपुर के लोगों ने अन्याय के साथ लड़ाई लड़ी है, इस बार वो डर कर नहीं डटकर वोट करें और सामंती तानाशाही साथियों को जवाब दें। वो इस बार बिल्कुल ना घबराए, क्योंकि चंद्रशेखर उनके साथ खड़ा है, इस बार वो परिवर्तन को वोट करें और अपनी जो